मंडी पुलिस ने जिला में अफीम की सबसे बड़ी खेती को नष्ट करने में सफलता हासिल की है। अफीम की ये खेती द्रंग के तहत आने वाली उप तहसील टिक्कन के एक दुर्गम क्षेत्र में जाकर नष्ट की गई है। मंडी जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में अफीम की खेती की गई है। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया और मौके पर पहुंची। यहां पुलिस ने देखा कि 10 बीघा जमीन पर अफीम की खेती लहला रही थी। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इसे नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि टीम ने 1,42,686 अफीम के पौधों को नष्ट किया है। वहीं इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले भी दर्ज किए गए हैं। 10 बीघा जमीन में से कुछ निजी भूमि भी है जो कि सरकारी। अब पुलिस राजस्व विभाग के माध्यम से जमीन के मालिकों की तलाश में जुट गए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये जिला में अब तक अफीम की खेती की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। इससे पहले जिला में एक साथ 30,000 अफीम के पौधों को ही नष्ट किया गया था। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इलाका इतना दुर्गम था कि टीम को वहां पर पहुंचने के लिए 4 घंटों की कठिन चढ़ाई को पैदल ही चढ़ना पड़ा। ऐसे स्थानों पर खेती की जा रही थी जहां तक किसी का पहुंच पाना ही संभव नहीं था। ये ऑपरेशन 21 घंटों तक चला, जिसमें मौके पर गई तीनों टीमें दिन रात अफीम की खेती को नष्ट करने में जुटी रही। एसपी मंडी ने लोगों से नशे की इस प्रकार की सूचनाओं को पुलिस के साथ साझा करने का आह्वान किया है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। ये जो टोटल एरिया करीब देखा गया है, वो करीब 10 बीघा के आसपास का एरिया जो है, जिसमें प्राइवेट भी है और सरकारी लैंड का इंक्रोचमेंट भी अभी तक हमें पता चला है, वो वहाँ पे मिला। और करीब करीब 1,42,686 अफीम के जो पौधे जिनमें फूल आ रहे थे, उनको जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया और उनकी सैम्पलिंग जो है की गई है। हाल ही के समय में ऐसा बताया जा रहा है कि ये शायद सिंगल कैच, एक ही बारी में पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा कैच मंडी जिले का है। ये जो स्पॉट है, ये करीब 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये लोग इस जगह पे पहुँचे और शाम को करीब 4 बजे ये टीम सभी इस एरिया में पहुँच गई थी। और इसमें मैं आप सबके माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह ये भी एक जानकारी हमें पब्लिक के बीच से ही आई थी, आप कृपया हमें ड्रग्स के रेडिकेशन की जो हमारी मुहिम है उसमें सहयोग दें। आपकी पहचान और आपका फ़ोन नंबर या जिस भी माध्यम से आप मुझे संपर्क करेंगे वो सीक्रेट रहेगा और आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 टीकाकरण तुसो कोरोना संक्रमण ते बचाव अंदर सहायता करा। टीका लाने रे बाद तुसो इतारे कुछ दुष्प्रभाव देखने मिल सका है। जो सामान्य संकेत हुआ है कि तू सारा शरीर सुरक्षा रा निर्माण करे करा, ये दुष्प्रभाव तो सारी दैनिक गतिविधि और क्षमता जो प्रभावित कर सका है। पर घबराने की जरूरत नहीं आई, कुछ दिन अंदर ये सब कुछ ठीक हुई जा, बल्कि कुछ लोगो था ये तरह साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ये भी दुष्प्रभाव क्या हुआ है इतना पर गल कराए, जिथे तो टीका लगी रहा तेथे दर्द हुआ, लालपन हुआ, सूजन आनी आम गल हुआ। ये भी शरीर आरे बाकी हिस्से अंदर क्या प्रभाव पड़ा है इतना पर भी गल करी लें। थकान होनी, सर दर्द, मांसपेशी अंदर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, जी मचलना, ये सब शरीर आरे बाकी हिस्से पर इतारे प्रभाव हुआ है। इधर मददगार सलाह ये आई कि ओवर द काउंटर दवाई लेने से पहले डॉक्टर से एक बार गल कर लेनी। दर्द करने परेशानियों कम करने कटे घबराना नहीं आया, जिथे तुसो टीका लगी रहा तिथि साफ सुथरा गीला कपड़ा रख लेना, कने अपने भाइयों काम अंदर प्रयोग लेना, सौगी व्यायाम भी करना। बुखार आने पर असुविधा हो जाओ तो कम करने कठे तरल पदार्थ का सेवन करना, यानी कि पानी वाली चीजा ज्यादा लेनी, कने हल्के खुले कपड़े पहनने, कने डॉक्टर वाली सलाह मननी, कोविड-19 आरा टीका जरूर लाना, क्योंकि कोरोना संक्रमण आते तुसो कोविड-19 आरा टीका ही बचाई सका। कोरोना से लड़ाई में हिमाचल के साथ लाइफ टाइम्स टीवी, जानकारी से बचाव जनहित में जारी।